नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट लाइट पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल दिलचस्प है बल्कि हमारे भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। लगभग एक वर्ष पहले मंगल ग्रह पर कुछ अजीब हुआ था। इसकी मैग्नेटिक शील्ड और इसके चारों ओर की हवा सामान्य आकार से 3 गुना तक फैल गई थी। पृथ्वी ने इससे पहले इस तरह का अनुभव 1999 में किया था, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड अपने सामान्य आकार से 100 गुना तक फैल गया था। और अब वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी जल्द ही फिर से इसका अनुभव कर सकती है, लेकिन इस बार इसके परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है और अगर ऐसा फिर से हुआ तो हमारे साथ क्या हो सकता है। नासा का मावेन ऑर्बिटर 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा है। ये एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो हमें सूर्य और मंगल दोनों पर नजर रखने की सुविधा देता है। 26 दिसंबर 2022 को मंगल के वायुमंडल और मैग्नेटिक शील्ड पर एक अजीब और आकर्षक घटना देखी गई। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक अविश्वसनीय घटना थी और मावेन उस समय वहां मौजूद था। सभी वैज्ञानिकों ने इस मिस्ट्री को समझने के लिए गहराई से स्टडी किया और कुछ अविश्वसनीय फैक्ट्स सामने आए। ये घटना सोलर विंड से जुड़ी थी, जो सूर्य से आने वाली पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम्स है। सोलर विंड्स सूर्य के बाहरी वायुमंडल से इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम्स है, जो 500 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। ये पार्टिकल्स सोलर सिस्टम से होकर गुजरते हैं। जैसे अन्य प्लैनेट्स को सोलर विंड का सामना करना पड़ता है, वैसे ही मंगल भी हमेशा इस विंड से जूझता है। ये हवा मंगल के मैग्नेटिक शील्ड, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है, को धकेलती है और यही कारण है कि मंगल अपना वायुमंडल अंतरिक्ष में खो देता है। अब रिसर्चर ने पाया कि मंगल पर यह स्ट्रेंज एक्सपेंशन एक रेयर वॉइड की वजह से हुआ था। तेज सोलर विंड ने धीमी सोलर विंड को पकड़ लिया था, जिससे मंगल के वायुमंडल में एक गैप उत्पन्न हो गया। सूर्य लगभग हर 11 साल में एक साइकिल से गुजरता है। ये साइकिल्स सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम के रूप में होता है। जब सोलर मिनिमम होता है तो सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे सोलर मैक्सिमम आता है सोलर एक्टिविटी बढ़ जाती है। इससे सोलर विंड्स उत्पन्न होती है जो हमारे प्लैनेट पर प्रभाव डालती है। 1999 में पृथ्वी ने भी इस तरह के इम्पैक्ट का सामना किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में सूर्य और भी अधिक सक्रिय हो सकता है, जिससे इन प्रभावों में वृद्धि हो सकती है। सूर्य पर हाल ही में एक नया सौर तूफान देखा गया है। 2022 में सनस्पॉट्स अपनी अधिकतम संख्या पर थे और 2023 में इनकी संख्या दोगुनी हो गई। मार्च 2023 में सोलर फ्लेयर्स की इंटेंसिटी भी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप 30 अमेरिकी राज्यों में एक बड़ा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आगामी सोलर मैक्सिमम 2025 हो सकता है और इसके प्रभाव पहले की तुलना में अधिक प्रचंड हो सकते हैं। सोलर स्टॉर्म्स पृथ्वी के वायुमंडल में आयोनाइज कर सकते हैं, जिससे रेडियो सिग्नल और जीपीएस सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। साथ ही ये पावर ग्रिड्स, रेल लाइंस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर सोलर स्टॉर्म्स बहुत अधिक शक्तिशाली हुआ तो ये ब्लैकआउट का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा सोलर स्टॉर्म से अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों को भी खतरा हो सकता है। जब हम अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाते हैं तो हमें सोलर साइकिल के प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा। सोलर स्टॉर्म केवल हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जानवरों के माइग्रेशन पैटर्न को भी अफेक्टेड कर सकते हैं। जैसे ग्रे व्हेल, समुद्र कछुए और पक्षी, ये सभी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर रहते हैं और सोलर स्टॉर्म के कारण इन्हें दिशा की समस्या हो सकती है। इतिहास में सबसे बड़ा सोलर स्टॉर्म एगर 859 में हुआ था, जिसे कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। ये स्टॉर्म इतना शक्तिशाली था कि इससे टेलीग्राफ सिस्टम तक प्रभावित हुआ। यदि आज ऐसा कोई स्टॉर्म होता है तो इसका आर्थिक नुकसान 600 बिलियन से लेकर 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है।
वैज्ञानिक ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम भविष्य में आने वाले सौर तूफानों के लिए तैयार रह सकें। अंत में हमें सौर तूफानों और मंगल ग्रह के बारे में गहरी समझ हासिल करने की आवश्यकता है। इससे हमें अपने ग्रह और सौर मंडल के बारे में अधिक जानने का मौका मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो कृपया इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।